बनारस की पावन धरती पे श्री बागेश्वर बालाजी धाम हम आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। यहाँ पे उनका कथा का आयोजन है। आयोजन श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा किया गया है और ये है आयोजन जो स्थल है वो है बनारस का संस्कृत यूनिवर्सिटी। संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये परिक्षेत्र है दोस्तों, ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और हम लोग चलेंगे बागेश्वर धाम सरकार के पास, वहाँ पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में चल करके बाबा का हम लोग दर्शन करेंगे। वहाँ पे वो उपदेश दे रहे हैं और चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। हाय दोस्तों, एक बार फिर घुमक्कड़ बनारसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं बागेश्वर धाम जी बनारस में पधारे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। इसमें इस समय हम लोग हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी। ये देखिए उसका पूरा बिल्डिंग है, ये पूरा प्रांगण है दोस्तों। ये देखिए संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का पूरा प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है दोस्तों। इसी प्रांगण के मैदान में, यानी यहाँ का फील्ड है, फील्ड में ही बागेश्वर धाम सरकार आए हुए हैं। हम लोग लास्ट टाइम में गया हुआ था बागेश्वर धाम सरकार से मिलने गया हुआ था, बट वहाँ उस समय वो थे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस समय ये आए हुए बनारस में, ये मेरा सौभाग्य है और हम चल रहे हैं उनको मिलने के लिए। चलिए चलते हैं, एक बार दिखा दे दोस्तों। ये देखिए, ये है हमारा दोस्तों यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का मुख्य भवन है, मेन भवन है यूनिवर्सिटी का। जो भी प्रशासनिक कार्य होता है यहीं से संचालन किया जाता है। और ये इनका इसका जो बनावट देख रहे हैं, अंग्रेजों के समय का बना हुआ, ये चर्च नुमा बना हुआ था, बट ये उस समय किस लिए यूज होता था देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये घड़ी नुमा बना हुआ है, यहाँ पे घड़ी भी, सूर्य घड़ी बना हुआ है, सूर्य की रोशनी पड़ती है वो टाइम भी बताता है दोस्तों। और ये देखिए सामने आपका हम आ गए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में ही बाबा का ये पूरा पंडाल लगा हुआ है, यहीं पे बाबा इस समय उपस्थित है। और ये देखिए स्तूपानुमा, ये एक खम्भा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और उसके बाद ये सामने देखिए पंडाल लगा हुआ है, पंडाल में बाबा इसमें उपस्थित है और उपदेश दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ते ही रवि भैया मिल गए और इनके साथ लास्ट वीडियो में हमने वीडियो बनाया हुआ था, तो ये मैं अकेले ही आया हुआ था, तो इन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम भी यहीं पर हैं, आइए। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे पास में और भैया साथ एक वीडियो क्लिप ले लिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अंदर के पूरा पंडाल दिखाते हैं। पंडाल में कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों भीड़ था, अंदर में जा नहीं पाया इस भीड़ की वजह से। बट बाहर ही बाहर पंडाल दिखा दे रहा हूँ, कितना ज़्यादा क्लाउड भरा पड़ा है, कितनी ज़्यादा श्रद्धा है बाबा के प्रति। देखिए ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा भीड़ है। और अब हम आपको अगले चलते हैं, पूरे पंडाल का पूरा चारों तरफ से आपको एक बार पूरा दिखाएंगे, बाबा का दर्शन कराएंगे। देखिए चारों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन भी लगे हुए हैं, LED स्क्रीन लगे हुए हैं, जहाँ पे अगर भक्त थोड़ा दूर है तो बाबा के दर्शन दूर से ही थोड़ा कर ले रहे हैं, उनके उपदेश सुन ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये पंडाल है, पंडाल में बाबा उपदेश में उपस्थित भी हैं और उपदेश भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पंडाल का और भी बहुत सारा परिक्षेत्र है। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इस पर यह पंडाल में एंट्री फ्री है और खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। अगर आप दूर दराज कहीं से भी, पूरे इंडिया से कहीं से भी आना चाहते हो तो आप आइए, स्वागत है। 11 से लेकर 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बाबा बनारस में ही रहेंगे और उपदेश देंगे, और आप आइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये पूरे तरह से फ्री है, नो कॉस्ट है। और अगर आप अपना बजट कम है, आइए यहीं पंडाल में रुकिए, यहीं भोजन भी करिए, यानी कि टोटल फ्री है। आपका आना जाने का खाली खर्चा लगेगा और उतने खर्चा लगेगा। पंचमा नाम बाबा का है, हमने जो दिया वो रुद्र, रुद्र कहते ना, रुद्र भगवान। दोस्तों जितना भीड़ पंडाल के अंदर है उससे ज़्यादा भीड़ पंडाल के बाहर है। और ये देखिए दोस्तों, पंडाल के अंदर से ज़्यादा भीड़ बाहर है, बाहर भी लोग इतनी श्रद्धा से बैठे हुए हैं, बाबा के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं फिर भी वो बैठे हैं बाबा के आवाज़ पे ही, इतनी उनकी आस्था है दोस्तों। ये देखिए, चलिए आपको पास दिखाते, जूमिंग करके दिखाते, बाबा को दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों,
हम लोग भी नहीं पहुंच पा रहे थे बाबा के पास। ये देखिए जूम करके आपको दिखा रहे, बाबा बैठे हुए हैं वहाँ, दर्शन दे रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं दोस्तों, और कथा का वाचन भी कर रहे हैं। जो नहीं लिखा वो भोलेनाथ की पूजा करने वाला पा जाता है, जो नहीं है। ये देखिए दोस्तों प्रांगण के चारों तरफ लोग जहाँ जहाँ ठहरने की व्यवस्था है वहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए बाहर ये प्लेग्राउंड दोस्तों बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है दोस्तों, और यहीं से आप देख सकते हैं बाहर भी कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे आने के लिए दोस्तों आपको वाराणसी कैंडी स्टेशन और वाराणसी रोडवेज बहुत ही नियरेस्ट है, यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों हैं, और वहाँ से ईजिली आपको ऑटो से या ई रिक्शा से आप आ सकते हैं। जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है उनका नाम विश्वनाथ। दोस्तों इतनी श्रद्धा है दोस्तों, देखिए देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है, बाबा ने प्लास्टिक ओढ़ लिया है, लोग कैसे भी बैठे हुए, बारिश में भी बैठे हुए, इतनी ज्यादा श्रद्धा है बाबा के प्रति लोगों की, देखिए दोस्तों। और ये बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, फिर भी लोग यहाँ पे डटे पड़े हैं, कोई इधर उधर इत्र से 1 इंच भी इधर उधर हिल नहीं रहा है, पूरे बारिश में भींग रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा आस्था में, इतनी ज़्यादा श्रद्धा में लोग बैठे हुए हैं, फिर भी मज़ा आ गया दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा पहुँचे, और हमारे चैनल अपने तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, हर हर महादेव।